हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज टेकीराग पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा थ्री गुड थिंग्स अबाउट टेक्नो रुहेज, यानी कि टेक्नो रुहेज से रुहेज भाई के लिए तीन ऐसी बातें जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो लगाते हैं हमारी इंट्रो और शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो मुझे उनमें बहुत ज्यादा पसंद है वो है डाउन टू अर्थ। फ्रेंड्स, उनके आज 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। फ्रेंड्स, वो सभी से पोलाइटली बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। मैंने आज तक उनकी वीडियोस में कभी नहीं देखा कि वो बहुत गुस्सा किए हो। बहुत कभी लास्ट हो जाए तब चाहे उन्होंने गुस्सा किया हो, नहीं तो उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। फ्रेंड्स, वो सभी से एक अच्छे से बात करते हैं, सभी को रिप्लाई देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है। फ्रेंड्स, इसे हमें भी अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बना सकते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छी तरह से बात करता है। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। सेकंड जो चीज़ है वो है फ्रेंड्स, करेज। फ्रेंड्स, उनके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत करेज है। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि वो कंपनी से रिव्यू प्रोडक्ट मंगाते हैं, लेकिन फिर भी उस प्रोडक्ट को, अगर वो प्रोडक्ट घटिया होता है तो वो साफ बोल देते हैं कि ये घटिया है, बिल्कुल इसे लेना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इसीलिए होता है कि वो करेज है उनके अंदर बोलने का, क्योंकि फ्रेंड्स जो कंपनीज हैं वो ये नहीं है कि कंपनी से प्रोडक्ट मंगाया तो उनके बारे में अच्छा ही बोलना है। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ बुरी है तो उन्होंने बुरा बोलना है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रेंड्स, इसी तरह हमें भी एक क्वालिटी अपनानी चाहिए जिससे हम भी अपनी लाइफ में होनेस्टली आगे बढ़ सकें। कूल वन जैसे फोन के सामने बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकता है। सक्सेसर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे हिसाब से एकदम से फेलियर है जो इसने लॉन्च किया 3S Max का। कि अगर आपकी बजट 15,000 रुपीज के नीचे तो बहुत सारे दूसरे फोन से आप जो वो खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही फोन जो वो खरीदना है। फ्रेंड्स, तीसरी जो चीज है वो है एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। फ्रेंड्स, अगर आप उन्हें शुरू से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वो चप्पलों के स्टैंड के पास बैठ के अपनी वीडियोस बनाते थे, एक बोतल में सेल्फी स्टिक अरेंज करते थे और सेल्फी स्टिक लगाते थे और उसके बाद वो अपनी वीडियोस बनाते थे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जो चीज़ अपनी लाइफ में देखी है ना, वो मैं नहीं समझता किसी ने देखी होगी। अगर देखी भी है तो उससे जो वो निकले हैं ना, वो चीज़ बहुत कम लोगों में होती है। फ्रेंड्स, वो एक इतने हार्ड वर्किंग है कि कोई भी कंडीशन हो, उन्होंने वीडियो बनानी है तो बनानी है। आज भी उनके पास कोई ऐसा बिग सेटअप नहीं है, उनके पास जो सेटअप है वो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। वो कहीं भी वीडियो अपनी शूट कर लेते हैं, कभी पार्क में जाके शूट कर लेते हैं, कभी पीछे चादर लगा के, या जैसे भी वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, हमें ये चीज़ अपनानी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, रुहेज भाई की सोच को मैं इन दो लाइनों से बयां करना चाहूँगा। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां साहब, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां साहब, अल्लाह ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो सही है फ्रेंड्स, अल्लाह ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। हमें किस्मत पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम मेहनत ही ना करें। तो हमें पहले मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद हमें किस्मत पे विश्वास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से, और आप भी उनकी जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपनाकर अपनी लाइफ में सक्सेस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।